वेलकम दोस्तों, मैं एजाज आप सबका स्वागत करता हूँ आज के टेक्नोटॉक के नए वीडियो में। आज का हमारा वीडियो है आईफोन 10 के बेसिक जेस्चर और बेसिक यूजेस के बारे में कि आप अपना आईफोन 10 कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ा चेंज आईफोन में ये है कि यहाँ पर अब बॉटम में कोई होम बटन नहीं है। और फॉर एग्जांपल, मैं किसी भी ऐप को ओपन करता हूँ और मुझे वापस होम स्क्रीन पर जाना, तो मैं कैसे जाऊँ? तो उसका एक सिंपल तरीका है, आप नीचे से स्वाइप कीजिए और चले गए होम स्क्रीन पर। ये हो गया होम बटन का एक फंक्शन। अगला फंक्शन है दोस्तों, अगर आपको ऐप स्विच करनी है, फॉर एग्जांपल आपने ये ऐप ओपन कर ली है, इसके बाद कैमरा ओपन कर लिया है, इसके बाद आपने मैसेज ओपन कर लिया है, अब आपको वापस स्विच करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप तरीका है ऐप ट्रे से। तो इसके लिए आप नीचे से होल्ड करते हुए ऊपर होल्ड करिए कुछ देर, और ये आपकी ऐप ट्रे आ गई। अब यहाँ पर आप जिस ऐप में चाहे उस ऐप पर आप स्विच कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप ये जो बॉटम लाइन है यहाँ पर आप स्लाइड कीजिए। जैसे आप स्लाइड करेंगे तो आपने रिसेंटली यूज ऐप से स्वाइप कर सकते हैं, मगर मुझे ऐप को बैकग्राउंड से भी अगर बंद करना है तो उसके लिए मुझे ऐप को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक तरीके का तो ये है कि हम इसे यहाँ पर ऐप ट्री में आ जाए और उसके बाद इसे लॉन्ग टैप करके रखें, फिर ये माइनस बटन दबा दें तो भी ऐप रिमूव हो जाएगी, और फिर अगर हम इसे स्लाइड अप कर देंगे तो भी ऐप रिसेंट से रिमूव हो जाएगी। अब दोस्तों, अगली बात करते हैं हम बटन्स के बारे में। यहाँ पर ये जो पावर बटन था, अब ये हो गया है साइड बटन, क्योंकि इसके फंक्शंस कुछ बदल गए हैं। अगर आप इसे दबा के रखेंगे तो आप सीरी को यूज़ कर सकते हैं, सीरी एनेबल आ जाएगी और आप इसे कमांड दे सकते हैं जो भी आप देना चाहे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आपको यहाँ पर ये साइड बटन और वॉल्यूम बटन दबाना है और छोड़ देना है, फिर से दबाना है और छोड़ देना है। तो आप जितनी बार दबाएंगे उतने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद आप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ भी आप लिखना चाहे या कोई भी कलर चेंज करना चाहे वो भी आप कर सकते हैं। सॉरी, अगर अपने डिवाइस को टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो फिर आप साइड बटन और वॉल्यूम बटन में से किसी भी एक बटन को होल्ड करके रखें, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया स्लाइड टू टर्न ऑफ। और अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं और आप चाहते हैं कि पुलिस को या आपकी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को पता चल जाए कि आप तकलीफ़ में हैं, तो आप इस SOS फीचर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसे स्लाइड करके यहाँ पर इमरजेंसी में जाए, और एक तरीका ये है कि यहाँ पर आपको टच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्क्रीन को, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी वो मुझे आ गए थे ऑप्शंस, जैसे अगर 5 सेकंड तक होल्ड करके रखूँगा तो फिर ये चीज़ें शुरू हो जाएगी। ये जो फीचर है, अगर आप अकेले में यूज़ कर रहे तो ध्यान रखिए, आप चाहते किसी को पता नहीं चले तो आपका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, वरना एक सायरन जैसी साउंड प्ले करेगा ये, जैसे कि ये। और दोस्तों, यहाँ पर 3D टच भी है। अगर आप सरा सा स्क्रीन पर जोर लगा के प्रेस करेंगे तो आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर, किसी भी ऐप के रिलेटेड अगर वो ऐप ऑप्शंस देती है तो। फॉर एग्जांपल, कैमरा बटन पे मैं 3D टच करता हूँ तो यहाँ पर मुझे सेटिंग का, सेल्फी, वीडियो रिकॉर्डिंग, दूसरे ऑप्शंस मिलते हैं। और जब ये स्क्रीन लॉक होती है, जैसे इस फ़ोन की स्क्रीन लॉक है, अगर मैं यहाँ से कैमरा या फिर फ्लैश लाइट एक्सेस करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 3D टच करना पड़ेगा। जैसे थोड़ा सा जोर से प्रेस करना है और कैमरा शुरू हो गया। सिमिलरली, मुझे थोड़ा सा अगर यहाँ पे फ्लैश लाइट ऑन करनी है, फ्लैश लाइट शुरू हो गई, और वापस से ऑफ़ करनी है, ये हुआ है कंट्रोल सेंटर। जैसे आप राइट साइड से ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको एक कंट्रोल सेंटर मिल जाएगा, जहाँ पे आप बेसिक चीज़ें या कुछ इमरजेंसी, कुछ एसेंशियल कंट्रोल्स आप कर सकते हैं, अपने बैटरी परसेंटेज चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी अगर फोर्स टच करेंगे तो आप वॉल्यूम को मेंटेन कर सकते हैं, ब्राइटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, और आप कंट्रोल सेंटर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाने कंट्रोल सेंटर में, कस्टमाइज़, और यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप एप्पल टीवी यूज़ करते हो तो आप अपने एप्पल टीवी का रिमोट ऐड कर सकते हैं, अलार्म्स ऐड कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। और इनको ऐड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शंस आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू।